बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार की फिल्म BMCM लगभग 13 दिनों के इंतजार के बाद सिनेमाघरों में सुनामी लाने को है तैयार, लेकिन कुछ लोग लगे हुए हैं फिल्म को बदनाम करने की साजिश में। अब BMCM की सुनामी में बह जाएंगे सभी हेटर्स या फिर होगी खिलाड़ी कुमार की हार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मूवी न्यूज पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार की साल 2024 की वन ऑफ द मोस्ट एंटीसिपेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म BMCM के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि फिल्म के ट्रेलर को ज्यादा कुछ रिस्पांस नहीं मिल पाया। जी हाँ, शुरुआती 24 घंटे में फिल्म के ट्रेलर को लगभग 15 मिलियन लोगों ने यूट्यूब पर देखा था, लेकिन जिसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि कुछ लोग इस फिल्म को फ्लॉप करने की साजिश में लगे हुए। जी हाँ, फिल्म के ट्रेलर के आने के बाद ही फिल्म के बारे में नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर दी गई थी, जिसके चलते फिल्म के ट्रेलर पर व्यूज काफी कम आए हैं। फिल्म के ट्रेलर को टारगेट करते हुए बताया जा रहा है कि फिल्म की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा सिंपल हो रही है और फिल्म के ट्रेलर में सारी स्टोरी दिखा दी गई, लेकिन बताया जा रहा है कि बिल्कुल ऐसा भी नहीं होने वाला है। जी हाँ, फिल्म की स्टोरी काफी जबरदस्त होने वाली है। फिल्म के ट्रेलर में फिल्म की स्टोरी कुछ भी रिवील नहीं की गई, क्योंकि फिल्म में कई ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले और यह फिल्म बेहद खतरनाक और काफी एक्शन वाली फिल्म होने वाली जो कि ऑडियंस का दिल जीतने वाली है। लेकिन कुछ लोग इस फिल्म को फ्लॉप करने के चक्कर में काफी ज्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के फैंस इस फिल्म को हिट कराने की कोशिश में लगे हुए और बताया जा रहा है कि फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी। जी आज कुछ लिमिटेड जगह पे फिल्म की एडवांस बुकिंग को शुरू कर दिया गया, जिसके बाद फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो आप सभी को क्या लगता है, ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।